हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे बनारस लोकोमोटिव वर्क की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी आईटीआई और नॉन आईटीआई की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, वह कौन सी ट्रेंड है जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, फॉर्म फिलअप की भी। और इन सब की जानकारी से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती है। फ्रेंड, बात करते हैं जो निकली भर्ती के, इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो ये सब इसका ऑप्शन नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडियन रेलवे आपको बनारस लोकोमोटिव वर्क यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। अप्रेंटिस आपकी 44 बैच आईटीआई एंड नॉन आईटीआई 2021, आपका डेट है 15/1/2021। यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा लास्ट डेट है इसकी रिसीट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 15/2/2021 4:45 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी टोटल 374 सीट है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 374 सीट है, आप जिसमें से आपकी 300 सीट है आपकी आईटीआई के लिए, ठीक है, और 74 सीट है नॉन आईटीआई के लिए। यहाँ पे आपके ट्रेड देखने को मिल जाएंगे, फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन की, एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिक यूअर कैटेगरी में 122। यहाँ पे टोटल देखने में नंबर ऑफ आप टोटल सीट है 300 है। डिटेल ऑफ नॉन आईटीआई सीट के यहाँ पे देखते हैं, ट्रेड है आपका फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, आपका इलेक्ट्रिशियन, टोटल नंबर सीट 74 है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो 3% रिजर्वेशन है फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए, और 3% है आपका एक्स सर्विसमैन चिल्ड्रन डिजीज जो जो है चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विस जवान और चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर के, ठीक है। तो इनकी आपकी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपकी यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है फॉर नॉन आईटीआई के लिए, देख सकते हैं आपको 10वीं पास होना जरूरी है, फॉर है ना क्लास एग्जामिनेशन एंड उसके 10+2 के अंडर सिस्टम में आपके 50% मार्क होने चाहिए, जो कि आपका आपके जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन बिफोर आपके 15/1 से होना चाहिए, आपके 15/1 से पहले 10वीं क्लास पास होना जरूरी है। फॉर आईटीआई कैंडिडेट के लिए देखते हैं, आपको 10 के साथ साथ आपका आईटीआई होना चाहिए आपके रिलेवेंट ट्रेड में, ठीक है, 15/1/2021 से पहले, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको जो जानकारी दे रही, यहाँ पे नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन को, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन एज लिमिट शुड बी 15/2 लास्ट डेट के अनुसार 15/2/2021 के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। फॉर नॉन आईटीआई यहाँ पे दे सकते हैं 15 से 22 एज दे रखी है, फॉर आईटीआई के लिए आपको यहाँ पे देखिए 15 से 24 दे रखी है, ठीक है। बाकी आप डिटेल दे सकते हैं, एज लिमिट फॉर वेल्डर, ट्रेड, कारपेंटर कैंडिडेट फ्रॉम 15 से 22 दे रखी है, ठीक है। एज लिमिट की आपको रिलेक्शन यहाँ पे देखते हैं, SC/ST के लिए 5 साल, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 साल, फिजिकली डिसेबल के लिए 10 साल, और 15 साल SC/ST के लिए OBC के लिए 3 साल, ठीक है। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर फिटनेस और पर्सन विद डिसेबिलिटी एंगेजमेंट एज पर दिस, यहाँ पे आपको जानकारी आ रही है उसको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द बेसिक सिलेक्शन, आप देख सकते हैं द कैंडिडेट द कंसिडर ऑन द बेसिक मेरिट लिस्ट ईच यूनिट विच विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क आपके हाई स्कूल में आए आपके, ठीक है। और हाउएवर भी नॉन आईटीआई के लिए भी आईटीआई पास का कैंडिडेट के लिए भी सिलेक्टेड, बट दे विल नॉट गिव एनी वेटेज ऑफ आईटीआई स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो जानकारी आ रही है, आप जैसे ट्रेनिंग आ रही है, स्टिपेंड आ रहा है, तो उसके बारे में आपको देखने को पता चल जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन आ रहा है एप्लीकेशन के, एप्लीकेशन फीस है आपकी 100 रुपये है, ठीक है, जो कि आपके जनरल कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पे आपको दे सकते हैं 100 रुपये फीस है जनरल कैंडिडेट के लिए, और नॉन फीस है जो कि SC/ST फिजिकली वुमेन के लिए, यहाँ पे कोई फीस नहीं है। एग्जेम्प्टेड है जो फीमेल है और उनके लिए यहाँ पे ठीक है, जो एग्जेक्टिव एक्सपेक्ट SC/ST PWD इफ द कैंडिडेट हैव नॉट सबमिट एप्लीकेशन फी तो विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो इसके बारे में आपको आ रहा है, फॉर लास्ट डेट मैं आपको बता ही चुका हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एप्लीकेशन आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे आके आपको आवेदन करना है। तो फ्रेंड, जब आप वेबसाइट खोलेंगे, हो सकता है नहीं खुले, क्योंकि मैंने भी बहुत मुश्किल से ये नोटिफिकेशन है बड़ी मुश्किल से खुला है, ठीक है। तो एक दिन मुझे लग गया उसको खोलने में, हो सकता है आपका, देखिए अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन का नहीं खुला है, तब भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आईटीआई के लिए देखते हैं, आईटीआई की जो वेबसाइट होती है अप्रेंटिसशिप की, आपकी आईटीआई के लिए वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो वहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन करा जिन लोगों ने आईटीआई कर रखा है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपके लिए नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण जानकारी।
तो फ्रेंड देखिए, जब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, हम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो यूजर है, जो नए यूजर है, जो पहली बार आवेदन करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। जो आवेदन के लिए यहाँ पे आप कर चुके हैं, जो सेकेंड बार करना चाहे वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हेल्प डेस्क यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको तारीख दे रखी है, सारी जानकारी, फीस डेट की आपकी 17/2 है, ठीक है। लास्ट डेट अपलोड डॉक्यूमेंट 17/2/21 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा ये आ गया है आपका यहाँ पे, जिस पोस्ट के लिए आप देखिए आवेदन का प्रकार, यहाँ पे आपको आएगा आईटीआई या नॉन आईटीआई, ठीक है। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आवेदन का प्रकार है, आपको सेलेक्ट करना, जो भी आप जिस टाइप के आईटीआई है तो आईटीआई सेलेक्ट कर लें, नॉन आईटीआई तो नॉन आईटीआई सेलेक्ट कर लें। तो फ्रेंड जैसे ही मैंने आईटीआई सेलेक्ट किया तो या नॉन आईटीआई सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे आपको देखिए प्लीज सेलेक्ट योर ट्रेड, जिस ट्रेड से है आपका उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड सेलेक्ट कर लेनी है। फिर फ्रेंड आपको यहाँ पे आपको देखिए नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, मदर का नाम, आपको जेंडर, समुदाय, और आप भूतपूर्व सैनिक हैं यस या नो, क्या आप दिव्यांग हैं यस या नो करना है, आपकी जन्म तिथि, यहाँ पे आपको चेक, आपके क्लिक हेयर टू चेक एज एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए शैक्षिक योग्यता दिखाई दे रही है, अब शैक्षिक योग्यता पे चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखना है आपने जो जिस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है उसकी जानकारी देनी, किस वर्ष पास किया है, आपका सिस्टम क्या था, आपका CGPA था या आपके मार्क थे, उस तरीके से यहाँ पे आपको बताना है, ठीक। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सन सेलेक्ट करनी है, फिर आपका एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे आपको जो सिस्टम है वो आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे कैप्चा है फिल करके, यहाँ पे आपको सबमिट सबमिट पे क्लिक करें, जैसे यहाँ पे आपको आ रहा है ये आपको कैप्चा को। तो फ्रेंड एग्जांपल के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्रेड सिस्टम कर दिया, तो यहाँ पे देखिए CGPA आया, तो मैंने प्राप्त तो जो मैंने नोट डाला तो वो हमने परसेंट में आपको बता दिया, यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल करना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड सिस्टम नो कर देंगे, टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क, यहाँ पे प्राप्त प्रतिशत यहाँ पे आपको कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये आप इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं अगर ग्रेड आपका ग्रेड सिस्टम नहीं है तब उस केस में, ठीक है। फिर फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए कंट्रोल नंबर, आपको पंजीकरण नंबर, मोबाइल नंबर, इस तरीके से यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। तब द्वारा लॉगिन करेंगे, तो फ्रेंड जैसे आप लॉगिन पे करेंगे आपको एक अमाउंट दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको आपको स्टेटस दिखाई देगा पे नाउ का, यहाँ पे आप पे नाउ करें, प्लीज डू नॉट पे मेक पेमेंट बाय स्कैनिंग QR कोड, ठीक है। तो आपको उसका आपको यहाँ पे जो गाइडलाइंस दे देंगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं डिटेल एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड फॉर अप टुमारो आफ्टर 2 PM आफ्टर सक्सेसफुली पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं अगर आपका पेमेंट हो चुका है उसके बाद भी आपको 2 बजे के बाद पेमेंट हो जाने सक्सेसफुली आपको 2 बजे के बाद, ठीक है, द्वारा आपको एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी दी जा रही है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस चीज को यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डिटेल प्रोवाइड जो प्रोमो पेमेंट की आ रही है, यहाँ पे आपको देखना है आपको आपका जो पेमेंट कैटेगरी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, कंट्रोल नंबर है, आपका कैंडिडेट नेम है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका अप्रेंटिस फी, यहाँ पे देखने रिमार्क में यहाँ पे आप करके इस तरीके से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर फ्रेंड यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट डे आपको दिखाई देगा, ठीक है, जैसे आप करेंगे मैं लॉग इन करके, यहाँ पे आपको होम एड्रेस, आपका मोहल्ला, ठीक है, आपको स्टेट, यहाँ पे इस तरीके से आपका जो आ रहा है पिन कोड, यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको जो मैंने प्रीवियस बताया जी, आपके 2 बजे के बाद को आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद ये सब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक। फिर फ्रेंड इसके बाद देखिए एड्रेस है, मोहल्ला है, आपका जिस स्टेट के हैं, इस तरीके से जानकारी, पिन कोड आ रहा है, तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं दोनों अगर एड्रेस सेम है तो उस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी जानकारी फिर से कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आईटीआई के शिक्षक का विवरण देना होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको आईटीआई के शिक्षक का विवरण देना होगा, यहाँ पे आपको आईटीआई का प्रमाण प्रकार किसका है, किस टाइप का आईटीआई ट्रेड है, संस्था का नाम, उत्तीर्ण वर्ष और अंतिम वर्ष में परीक्षा फल का रोल नंबर क्या था, वो यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आपका प्रमाण पत्र NCVT था, SCVT था, तो यहाँ पे इसके तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर फ्रेंड इसके बाद देखिए यहाँ पे आप फोटो अपलोड करनी होगी, यहाँ पे आपकी जो कि आपकी फोटो अपलोड आ रही है 15 से 50 KB है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिग्नेचर आ रहे हैं आपको 5 से 30 KB है, हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट है 100 KB से 200 KB है, जो कि यहाँ पे साइज दे रहे JPG है, यहाँ पे ITI का फाइनल शीट आ रहा है 100 से 200 KB है, यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर है तो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का, यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट 100 से 200 KB का आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा, यहाँ पे आपको इस पर टिक करके डिक्लेरेशन पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना होगा, ठीक है।
तो नीचे आप सबमिट पर देख सकते हैं, यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेंड यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे अपनी डिटेल का आपको जो एप्लीकेशन को, ठीक है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका ये फॉर्म था पूर्ण रूप से फिल हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया बनारस लोकोमोटिव वर्क वाराणसी के अप्रेंटिस की जो भर्ती निकली थी उसके लिए। तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, न्यूज अनाउंसमेंट भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी इसकी ऑफिशियल। आपको घबराइएगा नहीं, अगर ये आपकी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट ना खुले तो घबराइए नहीं, तो कुछ समय बाद आप ट्राई करते रहे। यहाँ पे हो सकता है क्राउड की वजह से ये नहीं चल रही हो, क्योंकि ये मैं आप बहुत समय से ट्राई कर रहा था, ये ओपन नहीं हो रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मेरे से भी ट्राई हुई है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन करना चाहता हूँ कि ये अगर नहीं हो पा रहा, ओपन नहीं आ रहा, तो घबराए नहीं, तो कुछ समय बाद इसे ट्राई जरूर करते रहें। फ्रेंड अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है प्लीज तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऐसी आप लोगों को डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।